महंगाई महंगाई अगर समझ लो मैं होता है कि नोट पे क्या होगा तो आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, शुगर कितना दे दिया था सर? 3 किलो तक आया होता, 3-4 किलो तक। कितना था शुगर? 5 किलो। 4-5 किलो 2 किलो सर, 2-3 किलो। क्यों? इन्फ्लेशन रेट 100 रुपये उतना ही है, उसका पावर कम हो गया है। 100 रुपये इस दौर तो लगभग 70 रुपीज 20 रुपीज 25 रुपीज। 5 साल पहले 100 रुपये का पावर 100 रुपये था, अब 100 रुपये का वैल्यू 100 रुपये है, पर पावर कम हो गया उसका। 25 रुपये पावर 100 रुपये की एक पॉइंट करेंसी में कम हो गई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। 2 साल पहले तक इन्फ्लेशन का परसेंटेज कितना था इंडिया में? इट वाज 6% एंड नाउ इट इज मोर देन 7.7%। 8.6 झाले सर आता। 7.7% इज द इन्फ्लेशन रेट एज ऑफ नाउ इन द नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ। पेट्रोल का प्राइस 90 रुपीज से कम नहीं होता। That is because of inflation. उसमें सब कुछ क्या किया है, बस इन्फ्लेशन को बूस्ट किया है। 2%, 1%, 1.5%, 2.5% वो उसने बूस्ट किया है उस वार में। बस कुछ फर्क ज्यादा पड़ा नहीं है उसमें, ठीक है। अभी इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करो, पहले सेव करो, फिर इन्वेस्ट करो, फिर डेंस कर दो। अब इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे कौन कौन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे तुम इन्वेस्ट करोगे? सर क्रिप्टो लैंड गोल्ड गिर गया अभी। लैंड कर सकते, गोल्ड में कर सकते, लैंड खरीद सकते, गोल्ड कर सकते, गोल्ड खरीद सकते, सिल्वर खरीद सकते, काफी कमोडिटीज भी खरीद सकते। यस, कमर्शियल प्रमाइसेस है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स है, फिक्स्ड फंड है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, पीएफ है। मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं ना रिकमेंड करूंगा कि उसको करके बचा लाना। इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है ना, डेटा कितना बढ़ा दूं, इस साल का इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? मोर देन 7.5%, राइट? इजंट इट? यस सर। हमको अगर पैसा अगले साल के लिए पैसा सेव करके रखना है तो हमको इस तरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कम से कम 10%, 12%, 15% रिटर्न दे 2 साल तक, क्योंकि 1 साल में 7% तुम्हारा इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब 7% तुम्हारा पावर ऑफ मनी कम हो रहा है, इजंट इट? यस सर। तो आप ये समझ लो, 2 साल का सोच रहा हूँ मैं, तो कम से कम 12% रहेगा कि अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ तो मैं 2 साल में उसमें रिटर्न कम से कम 10%, 12%, 15%, 60% मिले। तो इसमें से कोई भी तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकाल के लोगों क्या देगा तुमको 10%? मैं 200 तो 1 साल में 7% देते, बहुत बड़ी बात है। 8% मिलता है कहीं? नहीं। आजकल म्यूचुअल फंड कम से कम बोलता हूँ 12% नीचे है आज के डेट में। अगर एनुअल ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है इट इज -12%, वेयर स्टॉक मार्केट निफ्टी ज्यादा स्टॉक्स में जाओगे ना, मैं सिंपल निफ्टी, अगर निफ्टी का देखोगे तो इट इज मोर देन 48% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो यू आर किलिंग योर मनी इटसेल्फ, कुछ नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन से तुम्हारा पैसा तो वैसे भी खराब हो रहा है, पावर कम हो रहा है। यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे रिटर्न दिया क्या? रिटर्न नहीं दिया। क्रिप्टो में डालोगे तो वैसे भी पूरा पैसा रुक गया। ओके, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है फिर? स्टॉक मार्केट में जाकर यूएस ले लो, जापान ले लो, रशिया ले लो, इंडिया ले लो, कहीं भी करो, पर स्टॉक मार्केट में करो। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट अ स्टॉक मार्केट, इट्स अ गैम्बलिंग मार्केट। क्या हुआ? क्या हुआ?
तू फॉलो कर ले इंटेलिजेंसी लूना का क्या हुआ बहुत गिर गया सर वो कितना गिरा प्राइस कितना का लूना का प्राइस पता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस कितना था 15 दिन से गिरते जा रहा इतना पता है कि सर पिछले 15-20 दिन से गिरता जा रहा वो कितना गिरा होगा तो तकरीबन 15000 चल रहा था हां 18000 ठीक है एक दिन में चार दिन में कितना प्राइस हो लगा कितना गिरा होगा 10% नहीं सर बहुत ज्यादा गिरा कितना गिरा होगा एंड दिस इज 200 का फॉलो अप टू करेंसी कुछ कैसे लगाना चाहते हैं सर सबसे पहले तो आइडिया लगेगी सर अच्छी वाली बाकी का सब बाकी का बाद में आता है पहले एक अच्छा आइडिया चाहिए आइडिया कब आएगा हाँ पैसा एक पर लेकर बैठे हो तो आइडिया का ना आइडिया में पैसे नहीं क्या करोगे बराबर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेस्टोरेंट का इसमें क्या क्या चीज लगेगी बोलो होटल का ना रेस्टोरेंट बिजनेस है ना लोकेशन क्या क्या चीज लगेगी लोकेशन सबसे पहले लगा पहले उसके लिए जो भी जरूरत है वो चीजें इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीजें लगेंगी एमिनिटीज लगेंगी सबके लिए पैसा लग रहा है तकरीबन आज के डेट में भी अगर सोलापुर सिटी में अच्छी से अच्छी जगह तुम इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट करके अगर तुमको होटल स्टार्ट करना है होटलिंग बिजनेस स्टार्ट करना है यू नीड एटलीस्ट 25-30 लाख रुपीस कम से कम अच्छे से अच्छा बट बेयर मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट करना चाहते हैं पहले उन्होंने स्टार्ट कम से किया
फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बट समझ लो आज की डेट में अगर तुमको टीएनटीएस के बाजू में बोलना है कंप्लीट करना, क्या करोगे? 40,000 लेके आओगे? 50,000 लोगे? बहुत हार्ड, कम से कम 50,000 ले लूंगा। क्यों ले लो, टीएनटीएस ले लो, बाली जी को तो सोचो ही मत। तो अब बिजनेस का ऑप्शन नहीं है, अब क्या करोगे? देन कम्स आवर बिजनेस, माय बिजनेस, कौन सा है? इसके ऊपर में क्या करें? नॉर्मल बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आइडिया। स्टॉक मार्केट बिजनेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डिवाइसेस चाहिए सर। क्या चाहिए? डिवाइस, डिवाइस, इंटरनेट, नॉलेज, नॉलेज, भरपूर नॉलेज, स्किल्स। यूट्यूब पे मिलता है? नहीं, या सफिशिएंट नॉलेज, बेस्ट नॉलेज, बेस्ट नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज। सफिशिएंट नॉलेज उतना ही रखो जितना तुम्हारा, तुम पे अभी तुम्हारी एज वो नहीं है कि तुम अभी से हर चीज बारे में फिर से पढ़ते हो। जितना आपके लिए सफिशिएंट है, जो तुमको ट्रेड करना है, जो तुमको इन्वेस्ट करना है, सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज करो, सिंपल ट्रेडिंग मेथड यूज करो, सफिशिएंट है। वो करते करते फिर तुम ग्रो करोगे ना, एकदम से पढ़ते बैठ करोगे, 10 साल जाए तो स्टॉक मार्केट खत्म नहीं होगा। स्टॉक मार्केट जितना अगर 10 साल भी डाल दो खत्म नहीं होगा। बहुत से स्ट्रेटजीज है, बहुत से मेथोडोलॉजीज है, बहुत से मैनेजमेंट कंसेप्ट्स है, रिस्क मैनेजमेंट बोलो, मनी मैनेजमेंट बोलो, पोजिशन साइजिंग बोलो, बहुत सी चीजें है जो कि सीखना स्टार्ट करोगे खत्म होगा नहीं। तो कम से कम जो सफिशिएंट नॉलेज हो वो लेके, और बेस्ट नॉलेज। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर देख लिया एक दिन में पैसा डबल, बैंक निफ्टी इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी रोज का 1000 रुपए पता है। तो वो दैट इज नॉट अ सफिशिएंट नॉलेज, दैट इज अ फेक नॉलेज। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इनवाइटिंग यू टू ज्वाइन उनके टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन करो, वहां से कॉल्स लो, वहां से गैम्बलिंग करो, वहां से लॉस करो, बस बाकी कुछ नहीं होगा। तो बेस्ट नॉलेज लो, उसके बाद क्या लगेगा? एक तो आ गया नॉलेज, आइडिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज लगेगा। नेक्स्ट क्या है रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सामने फोटोज में बस लिखा नहीं है, एक लैपटॉप लगेगा, वाईफाई कनेक्शन लगेगा, इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, और पैसे। पैसे, अब पैसे कितने लगेंगे? टीएनटीएस के पास में खोलेंगे तो 50,000 लग रहे थे ना, अब कितने लगेंगे? स्टॉक मार्केट में कमाना है, वेल्थ क्रिएट करना है, कितने लगेंगे पैसे? भी 50,000 फिर you can start even with 3,000-5,000 also in stock market. I'm not joking. I started my career with 7,500 5 years back. I started my stock market investment and actually trading career with 7,500 only. Believe me, and it's not a joke. You can start even now. ऐसा लगेगा पहले से आपने किया होगा, आप तो महंगाई बढ़ गई, स्टॉक मार्केट के लिए कुछ महंगा नहीं, कुछ सस्ता नहीं है। Even with 5,000 you can start even now. तो अभी ये टाइम है, जैसे तुम वीडियो कर रहे हो अभी सीख रहे हो, कुछ लोगों का फर्स्ट भी वैसे नहीं, सेकंड सर, सेकंड थर्ड सभी है, सेकंड थर्ड ठीक है, जो भी फर्स्ट ईयर के लोग भी, सेकंड की भी, थर्ड की भी है। कुछ साल अभी डेट के मार्केट में जाएंगे, कुछ लोग डेट के मार्केट में जाएंगे, कुछ लोग अभी 1-2 साल के बाद जाएंगे। तो जाने के बाद एकदम से जॉब मिलेगा या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब तक क्या करोगे? मतलब कुछ चल रहा है कि यार पढ़ा लिखा आप तो कुछ तो करो, क्या करोगे? तो दिस इज टाइम टू तुम स्टार्ट करो इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, कम से कम सीखना तो स्टार्ट करो, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट इंप्रूविंग द स्किल्स। बहुत से स्किल्स है, मैंने वो तो स्टॉक मार्केट करो, डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना है? कितना कमाते उसमें लोग? बहुत ज्यादा, बहुत कमाते, बहुत ज्यादा। वो गेन अ स्किल, एक स्किल अडैप्ट करो खुद में, ताकि आगे तुमको जॉब भी करना। कुछ लोग ऐसे भी लगता हो क्या जॉब करना, क्या बिजनेस करना, बैठे बैठे पैसा आना चाहिए, है पैसा? तुम स्टार्ट तो करो, खुद में इन्वेस्ट करो, खुद के नॉलेज में इन्वेस्ट करो, पैसा बहुत कमाते। स्टॉक मार्केट एज ए बिजनेस तुम अगर सोचना चाहोगे तो क्या चीजें कर सकते हो? दो चीजें सबको पता है, एक तो इन्वेस्ट करके तुम बाद में कमा लो, या तो ट्रेड करके थोड़ा थोड़ा कमा लो, उसको इन्वेस्ट कर लो, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे, ट्रेड कहाँ पे करोगे? स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। बहुत ही मिलना टर्म इक्विटी, इक्विटी किसको कहता है? क्या
यस सर वो इक्विटी यहाँ पे नहीं है, नहीं यहाँ पर अलग इक्विटी रहती है। हिस्सा सर, हिस्सेदारी, लेकिन उसके अलावा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास और बहुत सारे हैं। कौन से हैं? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी एक मेन पैरेंट कंपनी है, फिर पैसे समझ लो पैरेंट टर्म है, उसके दो हिस्से हैं। दीज आर द डेरिवेटिव मार्केट्स ऑफ इक्विटी। कौन से? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अगर तुमको समझ लो इक्विटी में ट्रेड करना है, फिर टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल अभी बोलता हूं, रिलायंस में ट्रेड करना है, ₹500 अगले 10-15 हजार तुमको लाभ भी कमा के दे सकता है, 1,50,000-10,000 जो भी तुमको प्रॉफिट मिल सकता है, इफ योर एनालिसिस इज गुड, इफ योर स्टडी इज गुड, इफ योर एंट्री एंड एग्जिट आर गुड। ओके, तो इन्वेस्ट कर सकते हो तुम सिर्फ स्टॉक्स में या इक्विटी में, ट्रेड कर सकते हो स्टॉक्स में भी कर सकते हो, और स्टॉक का फ्यूचर भी है मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और स्टॉक का ऑप्शंस भी है मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इतना समझ में आया? इन्वेस्ट करना है सिर्फ स्टॉक्स में, बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना नहीं है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना नहीं है, ₹100 स्टोर रहेंगे, तुमने 50 स्टॉक्स रिलायंस के लिए स्टोर रहेंगे,
वो तुम कब तक भी इसको होल्ड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए तुमको चार्ज लगेगा, कुछ नहीं। ट्रेडिंग में क्या होता है, आज तुम ट्रेड कर रहे हो, तुमने बाय ऑर्डर डाल दिया, ट्रेड कर रहे हो ना, तो बाय ऑर्डर ही करोगे, तुमको बाय ट्रेड नहीं कहोगे, तुम परचेस नहीं कर सकते पूरा पूरा। ट्रेड करके टेंपरेरीली तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में फ्लैश करेगा कि यू हैव सो एंड सो नंबर ऑफ शेयर्स इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, उसको सेल करना ही पड़ेगा एक्सपायरी तक। फिर तुम जो आज इक्विटी में कर रहे हो ट्रेड, शाम के 3:15 बजे शायद 3:15 बजे तक सेल आउट करना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं तुमको और एक चीज दिखाता हूँ, इन्वेस्टमेंट में क्या करते हो, समझ लो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स समझ लो 100 रुपए चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आगे 100 रुपए चल रहा है, तुमको लगता है कि नहीं एनालिसिस हो गया तुम्हारा, तुमको लगता है नहीं 500-600 तक जा सकता है, अच्छी बात है ना, एनालिसिस हो गया, तो तुम क्या करो 100 रुपए में बाय करोगे, वो स्टोर रहेगा डिमांड अकाउंट में 2-4 साल जो भी है, 10 ईयर के बाद जाएगा 500 रुपए, तुम वहां पे सेल करोगे, डिमांड अकाउंट से सेल हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे खाते में, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। ट्रेड में क्या करें, समझो आज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे डिस्कस कर रहे हम लोग, सो एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो थोड़ा सा ये बजाज फाइनेंस का आज भागने वाला है, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा बुलिश होने वाला, मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो क्या करोगे, नीचे की तरफ बाय करोगे, ऊपर की तरफ सेल करोगे और प्रॉफिट लेके निकलोगे। लेकिन नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि मार्केट गिरने वाला है बहुत ज्यादा, जैसा लूना हुआ था, अगर कोई ट्रेडर रहेगा तो लूना ने उसने 1 लाख का 10 करोड़ भी बनाया होगा, लूना अपॉर्चुनिटी थी एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए नहीं ट्रेडर्स के लिए, जो 15-20 हजार से गिरा है ना वो 1 लाख का तुम 10 करोड़ भी कर सकते थे उसके लूना, तो समझ में आ रहा है क्या, गिरते मार्केट में कमा सकते हैं, पता है किसी को, इन्वेस्टमेंट करते हो तो चलते मार्केट में कमा सकते हैं, अगर ट्रेड करते हो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ नया बुराई इन्वेस्टमेंट करना है तुमको तो फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है, एट द सेम टाइम यू नीड टेक्निकल एनालिसिस, बट इफ यू गो फॉर यू ओनली टू नीड टेक्निकल एनालिसिस, नो नीड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस इज जस्ट 1%, आई डोंट वांट टू फंडामेंटल एनालिसिस, आई ओनली वांट टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि इतने स्टॉक्स रिलायंस ले लो, बजाज फाइनेंस ले लो, ICICI बैंक ले लो, जो कि ब्लू चिप स्टॉक्स है, HDFC ले लो, मार्केट में किसी ने हो गया इतने 2-4 महीने में, या कुछ न्यूज सुना कि मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है, पता चल रहा है कुछ मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इतनी अच्छी कंपनी जिसका फंडामेंटल इतने हो गए, जिसके कोई डेट इन्फ्लुएंस कर लो, ICICI का 1 रुपए का डेट नहीं है, ये लोग इनके फंडामेंटल इतने सब क्यों, क्योंकि टेक्निकली वो उनको नीचे आना है, रिटेस भी आ रहे हैं, दैट शोस व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग एज वेल एज इन इन्वेस्टमेंट। तुम सिर्फ फंडामेंटल पर रिलाय करोगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट देखता हूँ, CAGR देखता हूँ, फिर फेस वैल्यू देखता हूँ, बस ये चीजें तुम बाद में समझ गए जब तुम स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग, फिर लेकिन वो देखने के बाद अगर इन्वेस्ट कर रहे तब तो मार्केट गिर रहा है, क्यों, because there are technical analysis which says that now market is going down, you have to exit from the stock. तो वो कुछ लोग बताएं छोटे बोलते fundamental analysis करते हैं कि fundamental के साथ technical करना जरूरी है investment के लिए. But in case of trading, you only need technical analysis. अगर हम बोल रहे हैं कि yes bank trade, for example के लिए सबसे विशाल कितना stock है yes bank, Suzlon Energy सबसे फालतू stock से Suzlon Energy है. विशेष info किसी ने अगर नया नया सोचा होगा 2-3 हजार इन्वेस्ट कर दो शायद किया भी होगा सबसे किसी किसी स्टॉक से तो ये सिर्फ और सिर्फ चल रहे टेक्निकल्स पे फंडामेंटल्स इसके जीरो है फिर भी लोग वहाँ पे कमा रहे हैं ऑपरेटर्स वहाँ पे कमा रहे हैं बल्क में ट्रेड हो रहा है ठीक है हाँ ये सुना किसी ने अगर घर पे जाके बोलो गए एक एक्सरसाइज कर घर पे जाके बोलो कि कोई आया था शुभ सर उसने बोला कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करो पहले गाड़ी मेरे को पड़ेगी फिर उनको पड़ेगी होगा कि नहीं होगा हमारी पड़ेगी मेरे को नहीं तुमको पड़ेगी होगा कि नहीं होगा होगा सर नहीं होगा नहीं अरे मेरे को नहीं पड़ेगी मां तुमको पड़ेगी
म्यूचुअल फंड क्या करते हैं
सही है, तुम लोग 50 मिनट में ऑन करते हो पर ऐसा कभी जानता नहीं कोई, रोज का 5000 का 5000 10000 15000 20000 5000 तक लोग वहां आते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड होल्डर्स वो लोग पूरा पैसा लेंगे स्टॉक मार्केट में या तो ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। तब पता लगता है एफएस और डीएस सिर्फ इन्वेस्ट करके ट्रेड भी करते हैं, वो लोग रोज का डेटा मिलता है हमको। अभी आप चेक करोगे मनी कंट्रोल में तो कल की शाम का भी डेटा आपको मिलेगा कि उन्होंने ट्रेड कितना किया इन्वेस्ट कितना किया। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। दे अर्न डेली, तो यू वुड बिलीव 100-200% डेली अर्न करते हैं। तुमको कितना देते हैं साल का 24%, साल का 32%, साल का 12%, 32% तक नहीं है, साल का 24 बोला था, अब तो 12 माइनस हो गया है। तो वो तुमसे 10 टाइम्स पैसा बना रहे हैं तुम्हारा पैसा लेके। तो दीज आर द DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। What do you mean by FIIs? LIC भी DII हो गया, म्यूचुअल फंड रैली का भी DII हो गया, निफर इंडिया DII हो गया, तो यहाँ के म्यूचुअल फंड्स है या फिर यहाँ के SIP फंड्स है वो DII हो गए। FIIs किसको बोलेंगे हम लोग, फॉरेन के जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, म्यूचुअल फंड हाउसेस है, वो लोग हमारे लिए FIIs हो गए। फॉरेन मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, रशिया, US हो गया, UK हो गया, उनके लिए हम लोग यहाँ पे LIC अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो LIC is a FII, foreign institution investors for America, for UK, जो भी है। हमारे लिए वो लोग FII, हमारे लिए वो लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स है वो लोग FII, ओके। तो ये जब समझो अगर मैं और सर, दो सर है, मैं है, सब लोग है, हम लोग अगर समझो 1 करोड़ भी लेके बैठेंगे मार्केट में, चलो 10 करोड़ लेके बैठेंगे, चलो 20 करोड़ भी लेके बैठेंगे, क्या हम लोग मार्केट में लाएंगे? नहीं। They have to spend, they have thousands of crores. हजारों करोड़ लेके बढ़ते हैं, वो लोग एक कैंडल बढ़ा सकते हैं, एक कैंडल घटा सकते हैं। तो वो भी एनालिसिस करते आना चाहिए, that comes into supply and demand. Determining the supply and demand zone. कि डिमांड कहाँ पे आती है वहाँ पे, जहाँ पे लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। उनकी स्ट्रेटजी मैं तुमको छोटे से समझाता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताओ, 1000 करोड़ का ऑर्डर पंच करते, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस में समझो 2100 पे उन्होंने ऑर्डर पंच किया, उनको 2100 पे रिलायंस बाय करना है 1000 करोड़ की क्वांटिटी, 1000 करोड़ रुपीस की क्वांटिटी उनको बाय करना है, उन्होंने ऑर्डर पंच किया, उसमें से 700 करोड़ एग्जीक्यूट होगा। क्यों? जैसे ही इतना बड़ा अमाउंट आएगा तो कैंडल तो बढ़ जाएगा, प्राइस तो बढ़ जाएगा ना, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर जो 300 करोड़ का अमाउंट रहेगा पेंडिंग रहेगा, उतना ऑर्डर उसमें पेंडिंग रहेगा, फिर वो आएगा नीचे मार्केट, वहां से फिर से पंच होगा, फिर वहां से बूस्ट करेगा। तो वो चीजें निकालना, वो लेवल्स निकालना, अगर क्या अगर तुम्हारा लेवल्स उस लेवल पे है जहाँ पे उन्होंने खर्च किया है तो अच्छी बात है ना, तुम्हारा पैसा भी उनके साथ ही ग्रो कर रहा है। तो वो लेवल्स को हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, और जहाँ से वो सेल करना स्टार्ट करेंगे उसको बोलेंगे वो सप्लाई जोन। तो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस करना भी इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। तुमको ना कोई रिस्क है ना कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है, कुछ लगाना तो है एज पर रूल, बट फिर भी स्टॉप लॉस करके दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग ने डिस्कस किया, इसमें कौन सा पार्ट तुमको समझ में नहीं आया, ऐसा लगा कि बोर्ड वाला एग्जाम जा रही है, सबको लग रहा है क्या? नहीं सर, बैक बेंचर्स और डॉल्स में तो लग रहा है सबको, मैं बोला इतने लोग इंटरेस्टेड है, ये क्लास है क्या बस? हाँ, अरे तो तुमने किया, तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? ऑब्वियसली मैं आया तो बोला था स्टॉक मार्केट में ही करो, ठीक है, बट उसकी रिटर्न भी तो वैसे है, होटल में करोगे करो, बहुत से बिजनेसेस है कर सकते हैं, बट देयर इज अ रिस्क, रिस्क तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन पैसा कम है ना, लगा भी 5000 रुपए तो रिस्क कितना रहेगा, लगाना 10000 रुपए तो रिस्क कितना रहेगा, राइट? सीखो और लगाओ, ऐसे नहीं लगाएंगे देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मार्केट में एंट्री कर ली है मैंने, लॉस हो रहा है, अरे ट्रेडिंग लगा ले, और लोग बोलते नहीं सर लॉस ही सिखाता है, बोले लॉस होंगे तो सीखेंगे, क्या सीख रहे लॉस से, लॉस होगा आज का लॉस होगा 1000 रुपए कल का पास होगा, लॉस होगा ना तो सीखूंगा ना, फिर मार्केट सिखाते हैं लॉस करने से, कुछ भी नहीं, मेंटेलिटी भी बढ़ रही है, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, यूट्यूब की सारी वीडियोस देख के आएंगे, देखेंगे बैठेंगे, एक लॉस हो गया, अरे तो सट्टा है, ये तो मटका है, पता मैं वो फेस कर चुका था, मैं खुद वो फेस कर चुका, होता है, बहुत के साथ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग
कोच ने सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन किया ओके अभी तुमको चाहिए दिमाग में तुम्हारे चल रहा है कि पैसा का बनता है सर वो दिखाओ राइट पैसा कैसा बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेडिंग का डिस्कस नहीं करते यार इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते राइट सब लोग इंटरेस्टेड है तो आगे बढ़ते हैं तो फिर नहीं यस सर बनने वाला है यहाँ पे इंटरेस्टेड है यस सर आप बताओ यस सर यस सर अरे अदानी का और एक स्टॉक शायद से आया है क्या नाम है उसका AWL अदानी मिल पर हाँ हाँ अदानी टोटल गैस का लोग देखते हैं फर्स्ट हम लोग की इसमें आया है अदानी टोटल गैस तुम्हारे पास कोई अकाउंट नहीं है
तुम्हारे पास समझ लो कोई अच्छा हाँ और एक बात है कि अगर तुम लोग ऐड होते हो ग्रुप में वहाँ पे तुमको फ्री अकाउंट ओपनिंग का गाइडेंस भी रहेगा तो तुम ऐड होते हो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस नहीं उसके सेशन के बाद आधे घंटे में हो सकता है वहाँ पे एक गाइडेंस लिंक आएगी वहाँ से तुम ऐड कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम आए तो हम आधे घंटे के लिए यहाँ पे अवेलेबल है कम्युनिकेट कर सकते हो ठीक है अगर समझ लो तुम्हारे पास प्रॉब्लम नहीं है तुमको पता नहीं कौन सा टर्मिनल यूज करना है तुम जिसको जिसको फॉलो करते हो अगर कर रहे हो जिसको सब फॉलो करते हो यूट्यूब पे वो लोग 50-50, 60-60 हज़ार 1 लाख का टर्मिनल लेके बैठे हैं तुम कहाँ से लाओगे जरूरत नहीं कुछ करने की मैं भी कुछ लेता नहीं हूँ 1 रुपये का डालना नहीं मार्केट में सिर्फ नॉलेज में पैसा डालो बाकी कहीं पैसा मत डालो अब ये तुम्हारे लिए फ्री ये रहेगा चैटिंग टूल रहेगा उसका नाम है tradingyou.com स्क्रीनशॉट ले लो लिंक रखना ओपन और लो भी
मतलब ये बनता है कि वो कैंडल के नीचे कोई लाइन नहीं आई है, ऊपर उधर ही आया और लो भी उधर ही आया है। अगर कोई लाइन नीचे आती तो लो शायद उसका चेंज हो जाता था। यहाँ पे ओपन इक्वल टू है, क्यों? कैंडल के नीचे कोई विक नहीं, उसको विक बोलते हैं, विक का शैडो बोलते हैं टेक्निकली। ऑलरेडी लाइन बोलूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि लाइन आई नहीं। तो वहां उस ट्रेड उस कैंडल के टॉप पे या हाई पे तुम बाय कर सकते हो, उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस प्लेस करना जरूरी है। तुम बोलो सर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो लॉस होगा, बोले दो तो स्टॉप लॉस लगा के लॉस बुक करना इज अ गुड थिंग। स्टॉप लॉस नहीं लगा के बड़ा लॉस करना इज वेर यू लूज मनी। स्टॉप लॉस लगा के वेर यू मेक लॉसेस, दैट इज वेर यू बुक लॉसेस, दोज आर हैप्पी लॉसेस। तुमको पता है कि लॉस इतना है, मुझे पता है, कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें रिस्क है। तो इसमें हर कैंडल में तुमको रिस्क है, चार्ट में रिस्क है, ट्रेड में रिस्क है। तो कितना रिस्क है वो कम से कम रिस्क होना चाहिए, लेकिन रिवॉर्ड कितना मिला है, रिस्क कितना दिख रहा है तुमको? बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, उसको बोलते हैं मारुज उसका नाम है, दैट मींस नोन एज मारुज। बहुत अलग अजीब अजीब नाम है ना ये सब, कैपल लोग रहे पे डोजी कैंडल रहेगा, मारुज रहेगा, स्पिनिंग टॉप, ये पे हरामी, उसका नाम हरामी है, सॉरी इट्स हरामी, हम लोग इंडिया में प्रोनाउंस करते हैं हरामी, ठीक है।
बहुत अजीब अजीब नाम है, बट इट इज डिराइव फ्रॉम द कंट्रीज कंट्री जापान, वहां के नाम हमको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, क्या कर सकते यहाँ पे एक कंपनी थी टाटा एलक्सी, ओके हमने यहाँ पे देखा टाटा एलक्सी के लिए। अब इसका ट्रेंड देखो फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो अपट्रेंड है, लेकिन ऐसी कोई कैंडल पास्ट में दिखती है तो हाई कितना है इसका 6450 और लो है 6137, ठीक है। तुमको बाय करना है, एंट्री करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है पोजीशनल, तो 6150 पे ट्रेड करना है, सॉरी 6450 पे ट्रेड करना है। और अगर समझ लो मार्केट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं बिहेव करता है, नहीं वो ट्रेड में जाता है, अगर तुम गलत भी हो सकता है, एनालिसिस तुम्हारा है, मशीन का नहीं है, गलत भी हो सकता है, तो इट माइट गो रॉन्ग, इट माइट गो रॉन्ग, ठीक है। तो मार्केट माइट reward you if you are good, it will punish you if you are not up to the mark, okay? So agar loss hota hai to kitna hona chahiye, 6130 ka loss hota hai, market to uske niche ja sakta hai, second loss bench, kya samjha, second loss bench, koi problem hai, charge dikh rahe hai, jolly door dikh rahe hai, 6450 पे बाय रहेगा, 6137 पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, और समझ लो तुमको क्वेश्चन रहेगा कि ट्रेड में लॉस तो होगा, बट लॉस होने के पहले हमको एग्जिट चाहिए, तो बेस्ट एग्जिट रेट क्या रहेगा, समझो तुम लॉस कर रहे हो ₹1 का, तो कम से कम मिनिमम बोल रहा हूँ कम से कम तुमको ₹2 का प्रॉफिट होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2। तुमने यहाँ पे बाय किया, लॉन्ग पोजिशन ले रहा हूँ, लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हो, ₹313 का रिवॉर्ड चाहिए मेरे को उसका डबल एटलीस्ट, ठीक है। देखो कोई स्टॉक एमआरएफ नहीं करने वाला है, आज ₹10 के लोगों का लाभ रुपए जाएगा, एमआरएफ का क्या पता है, एक स्टॉक का प्राइस कितना, एमआरएफ का हाईएस्ट प्राइस कितना था 98,000, एक स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस 98,000, बहुत लोगों ने उस टाइम पे, बहुत लोगों ने किससे है रियलिटी भी है, 1,000, 1,200, 2,000 में भी बाय किया है एक स्टॉक, उसके बाद 100 है, 1,000 है, 5,000 में टिकट ले रहा हूं उनके पास है, ₹2,000 का 10,000 का 0 सकता, ऐसा मत समझो कि गोल्ड इंडिया सस्ता है, टाटा मोटर सस्ता है, तो 10,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, नहीं जाता हमको अपना स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट करके बाहर निकलना है, अभी प्रॉफिट अगर नहीं क्या होता, समझो 1:2 पे ले बोला तुमने, ठीक है अगर 1:2 पे नहीं हो रहा है 1:3 पे ले लो प्रॉफिट, क्या बुरा है, ₹1 का लॉस कर तुमको तीन बार प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे भी तुमने प्रॉब्लम बुक नहीं किया, ठीक है बाद में क्या हुआ, तो फिर का आया प्रॉफिट, तुमने लिया नहीं प्रॉफिट, नहीं मिला, फिर क्या हुआ, आपके नीचे आया और स्टॉप लॉस भी हो गया।
what you need to do is, these are positional trades, these are not investments. I'm repeating it again and again. इन्वेस्टमेंट्स को क्या है, तुम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ या नहीं भी लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस इतना छोटा रहेगा तो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, वो क्रॉस करके नीचे आएगा फिर आराम से निकल सकते हैं, उसमें वो है इन्वेस्टमेंट। पोजिशन ट्रेड में यू कांट टेक एनी रिस्क, तुमको 1:4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, दैट्स वेल एंड गुड। 1:2 का मतलब क्या है, 1 रुपए का लॉस 2 रुपए का प्रॉफिट। 1:3 का मतलब क्या है, 1 रुपए का लॉस 3 रुपए का प्रॉफिट। 1:4 का मतलब क्या है, 1 रुपए का लॉस 4 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसा अगर तुम 1:3 रीजनेबल लेकर चलते हो, 1:2 बेयर रीजनेबल लेकर चलते हो, इवन देन इट इज गुड फॉर यू। यहां पे क्या तुम आज लगा पड़े कि 1:5 ही चाहिए, हुआ क्या, यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, जहां पे तुम प्रॉफिट कर रहे थे, प्रॉफिट सब छोड़ छाड़ के तुम लॉस में आ गए। और इस मार्केट में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है, बहुत से लोगों ने अपने अच्छी खासी प्रॉफिट्स को, मैं देखता हूँ लोगों के 2-2 लाख 3-3 लाख एक साल में हो गए थे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट में 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख का प्रॉफिट, मतलब कम से कम 50% का प्रॉफिट मार्केट ने दिया है 2021 से 2022 तक के अराउंड, लेकिन लोगों ने खोया पैसा, क्यों, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना जब भी ट्रेड करो, अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी घर जाके मम्मी पर से पैसा मांग के इन्वेस्ट करके मंडी से ट्रेड करना नहीं है, इन्वेस्ट करना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन, ये अवेयरनेस के market goes on candles, goes on technical analysis, doesn't work on कि हाँ भाई ये लोग ये 25 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें आज सोओगे ट्रेड लो सुबह दो का प्रॉफिट, ऐसा कुछ है ही नहीं, ओके। इट इज नॉट अ शॉर्टकट मनी मेथड, इट इज अ स्मार्ट मनी मेथड। यहाँ पे इजी मनी नहीं है, स्मार्ट मनी है, ये बोल सकता हूँ। स्मार्ट क्यों है, तुमको कहीं जाना नहीं है, तुमको कहीं मेहनत नहीं करनी, मेहनत करने से यहाँ से करो बस, ठीक है। नेक्स्ट और देखना चाहोगे आप लोग, और कुछ स्टॉक इसमें से, आईटीसी चलेगा, बट लो पे वो वर्टिकल लाइन दिखनी चाहिए, दैट मींस कि ओपन इक्वल टू लो 260 और 250 के बीच में, वहां पे राइट से हां बस ये कंप्लीट परफेक्ट परफेक्ट मानो उसको कैंडल खोल सकते हो इसको, मैं ओपन इक्वल टू लो, ओपन देखो, ओपन हाई लो और क्लोज, जब भी कैंडल बनती है ना उसके चार साइकल्स होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, मार्केट ओपन होती है एक लेवल पे, कैंडल ओपन होती है लेवल पे, फिर कुछ सेलर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे सेल करने का, जब सेल हो, जब सेलिंग आती है तो मार्केट नीचे की तरफ, प्राइसेस नीचे की तरफ आने लगते हैं, यहां पे सेलिंग आई नहीं तो प्राइसेस नीचे की तरफ आई नहीं, क्यों, वहां पे दिख रहा है वो डेटा ओपन इज इक्वल टू लो, नहीं यहां पे सेलिंग आई है, देखो दिखूंगा तो कैंडल दिख रही है ओपन इक्वल टू लो, लेकिन वहां पे डेटा एक्चुअल बोल रहा है ओपन कितना है 255 लो कितना है 245.80 मतलब 20% का यहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो आई विल अवॉइड दिस कैंडल, ये कैंडल लेंगे नहीं, हाँ थोड़ा बहुत फर्क कर लेंगे, नहीं रूल्स आर रूल्स, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे हम लोग, देखेंगे और कहीं कुछ हमको मिलता है क्या, यहाँ पे कैंडल मिली हमको राइट, वेयर ओपन इज परफेक्ट के लिए इक्वल टू लो, ना नो, यहाँ पे 10% का फर्क है, तो हम लोग थोड़ा पीछे जाके देखेंगे यहाँ पे कहीं हमको दिखा, यहाँ पे देखते हैं ओपन कितना है, नहीं यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, अभी ये स्टॉक में हम लोग देखे 25 कैंडल्स पहले के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि फंस जाओ, मार्केट जा रहा है ऊपर जा रहा है तो इसमें ट्रेड नहीं करेगा, रूल्स आर रूल्स, यहाँ पे उसको लगता है
होता है कि वहाँ पे उनको सिंपल एनालिसिस है, ऐसे नहीं कि उसमें ट्रेड बनता ही नहीं। अगर सर इसके बेसिस पर तुम एनालिसिस करके ट्रेड लेना चाहोगे तो यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन दिस, क्योंकि रूल्स में नहीं मिल रहा है ना आपने। None of the candle has shown the value of copper is equal to low. देखो पास्ट में से वो फर्क रहेगा ना तो हमको उसको अवॉइड नहीं करना, वो फर्क है। You should see कि where the open value is perfectly equal to low. ठीक है, तो आप पे कहीं नहीं मिला तो हम किसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड करेंगे लॉस निकलेंगे अच्छा आएगा। थोड़ा 19 भी सोच के नहीं जा सकता, वो तो लगता है मार्केट ओवर तो बोलते मेरे को लगता है ऊपर जाएगा सर। अरे लगता किस पे से लगता है, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को सिर्फ एनालिसिस लगता है। अच्छा उसका एनालिसिस अच्छा चल रहा है तो मैं बाय बाय करूंगा, एनालिसिस नहीं हो रहा है मेरे को एनालिसिस नहीं लग रहा है इसका अच्छा तो छोड़ रहा हूं, फिर करना है किस पे। ठीक है नेक्स्ट भी देखना है और अशोक ले ले नेक्स्ट ओवर कितने है क्या लिस्ट में से कोई और स्टॉक चेक करना। महिंद्रा वाला सर, सेकंड महिंद्रा सेलिंग
769.2 का रेंज है, इसका हाई है 769.2, इसका लो है 745.0. अगेन ओपन इज इक्वल टू लो, इसलिए हम लोग ये यहां पे ट्रेड ले रहे हैं. अब यहां पे कैंडल ओपन हुई है 769.2 पे, नेक्स्ट कैंडल उसके रेंज के अंदर ही ओपन हुई है. अगर ऊपर ओपन होती थी और नीचे आ रही थी थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन यहां पे रिस्क नहीं है क्योंकि रेंज के अंदर ही ओपन हुई है और फिर वो कैंडल रेड ग्रीन हुई है. अगर ओपन रेंज के अंदर ओपन होती है ये हाई होगा, ये होगा. अगर रेंज के अंदर ओपन होती है और ब्रीच करती है देन पॉसिबिलिटी को बहुत ज्यादा, मतलब वो ऊपर जा प्रॉफिट प्रॉफिटेबल ट्रेड को मिल सकता है. लेकिन रेंज के ऊपर अगर ओपन होती है और नीचे पे, तो सिंपल बात है, अगर नीचे तोड़ रही है मतलब नीचे की तरफ गिरने वाली है. फिर ऊपर गया और फिर यहाँ से फिर से नीचे आया, नीचे फिर वही रेंज में. देखो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ. अब जैसे तुमने यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ पे गया तो तुम्हारे इमोशंस कैसे थे, हैप्पी हैप्पी, चलो हम लोग कमा लिया, हम लोग वॉरेन बफे बन गया, हम लोग जूनियर वाला बन. लेकिन फिर नीचे आया, इमोशंस कैसे थे, सारा मार्केट अपने लिए है ही नहीं, जाता ही है. और फिर ऊपर गया, यहाँ जूनियर वाला बन गया, तो यहाँ तो वॉरेन बफे बन गया. इमोशंस बहुत सही है. यहाँ पे हमारा बाय लेवल, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेवल. हमको चाहिए 1:2, 1:3. अगर पोजीशन देख रहे हो तुमको और सेफेस्ट अगर ट्रेडर करना है, पोजीशन ट्रेडर करना है, 1:2 काफी है. 1:3 के भी जाने की जरूरत है, इतना है कि पैसा कम बनेगा और बनेगा फॉर श्योर. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट करते हैं, वेरी गुड. इसको और रिस्क लेना है, क्या कर सकते हैं, अगर समझो तुम लोग ने 100 क्वांटिटीज बाय कर रखी है, ठीक है, 1:2 तक गया, 33 क्वांटिटीज बुक कर दो, मतलब 1/3 हो गया. 1:2 पे गया, 33 क्वांटिटी और बुक कर दो, प्रॉफिट बुक कर दो, ये स्ट्रेटजी कर सकते हो अगर 1:2 से तुमको और ज्यादा चाहिए तो, और सेव करना है, ठीक है, बट रुकना पड़ेगा. 9:15 एक मिनट का काम है, लेकिन करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो कैरी नहीं कर सकते हर दिन वो एक आ चल के, तो लाइफ टाइम के लिए, महीने भर के लिए, आप दो दिन के लिए भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, तुमको रोज स्टॉप लॉस प्ले करना प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो गया,
थ्री क्या बोले, अगर मैं बोल रहा हूँ तो सब छोड़ दो, सेठ भी वन इशू थ्री पकड़ के चलो पैसा बनता है, हाँ चलो पैसा बनता है करेंगे। अभी तुम लोग ने स्टार्ट किए 1,00,000 रुपये लेके बैठे, एग्जाम्पल पे बोल रहा हूँ, बोलना मत कि सर इतने बोला 1,00,000 रुपये तो घर पे जाके लेके 1,00,000 रुपये तो समझ लो 1,00,000 रुपये लेकर के तुम्हारा क्या कल से तुम फंडिंग ट्रेंड स्टार्ट करो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। तो 1,00,000 रुपये बोल रहा हूँ कि भी कैंडल बनी है महिंद्रा महिंद्रा में, समझो आज का दिन है, आज के दिन ही कैंडल बनी है, कल से मार्केट से शायद हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। तो क्या तुम 1,00,000 पूरा इसमें इन्वेस्ट करोगे? क्या करोगे स्टेप वाइज? स्टेप वाइज करेंगे सर, स्टेप वाइज थोड़ा लेंगे फिर ऊपर लेंगे और थोड़ा लेंगे, महिंद्रा लेंगे नहीं दूसरा भी ट्राई करेंगे। डाइवर्सिफाई फंड, डाइवर्सिफिकेशन सुना है कभी तुम लोगों ने? पढ़ा होगा डाइवर्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। यस सर, अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना, अलग अलग जगह पे, इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्टॉक्स में ही करना जरूरी नहीं, अलग अलग तो करना ही है। ऐसा करोगे तुम यहाँ पे महिंद्रा महिंद्रा पे लोगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ पहले जेएसडब्ल्यू स्टील पे लोगे तो स्टील सेक्टर का है, और कुछ स्टॉक्स तुम टाटा स्टील में लोगे, कुछ स्टॉक्स तुम जितना स्टील में लोगे, तो क्या ये सही है? नहीं, उनको सेक्टर्स डिफाइन करने हैं पहले, फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, और सेक्टर से तुम फॉर एग्जाम्पल 4-5 सेक्टर बोल रहा हूँ। तो तुमने डिवाइड किए तुम्हारे 1,00,000 के फंड को 5 सेक्टर में, तो कितना पैसा बचा एक हर सेक्टर के लिए? 20-20,000 हर एक सेक्टर के लिए अलॉट हो गया, राइट? यस सर। अभी वो सेक्टर्स में डिटरमाइन करना है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, नाम के हाँ टाटा, टाटा का नाम अच्छा है, रतन टाटा का, वैसा नहीं, एज पर द चार्ट, एज पर द एनालिसिस, एज पर टेक्निकल्स, ठीक है, कौन सा लेवल ब्रेकआउट पे अच्छा है, फंडामेंटल्स देखना है वो भी देखो, टेक्निकल देखना है वैलिड बोल तो जरूरी है टेक्निकल्स देखना। तो स्टील चीज है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उसके अंदर बहुत सी चीज है, जिंदा स्टील है, वेदांता है, हिंडालको है, टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, कौन सा है? तो इसमें तुमको कौन सा लेना है तो वो एनालाइज करो, तो वो तुम्हारा पिक रहेगा फर्स्ट स्टील सेक्टर। आई टी में विप्रो है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, इंफोसिस है, माइंड्री है, बहुत सी चीजें हैं, टाटा इंस्टीट्यूट आई टी में, तो फिर स्पेसिफिक करना है माइंड्री एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। फिर बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, विप्रो हमारा एचडीएफसी है, वेल्थ फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्टर में, तो उसमें पिक करके तुमको अलॉट करना है कि हाँ भाई ये सेक्टर के लिए अलॉटेड मैं करके रखा हूँ स्टॉक। अब क्या करना है तुमको, सिर्फ इन्वेस्ट करना है, 20,000 पूरे लगा दिए, 20,000 हर एक स्टॉक में पूरे 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 लगा दिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अगर लॉस होता है तो कितना उनका हेल्प है, पूरा 20,000 होगा क्या? दैट यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू डिसाइड कि लॉस में कितना करके इंक्लूड है इसके अंदर, इंक्लूड इसके अंदर सर। You have to decide कि तुमको loss कितना करना है उसमें। अगर तुम assume करके चल रहे हो 5,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब तुम्हारा अगर SL beat होता है, that is where your booking loss, बड़े-बड़े losses करने की बात नहीं कर रहा हूँ, where your booking your stop loss, okay? तो समझो पहले तुम लोग तुम्हारा 5,000 का लेकर के चल रहे हो, और तुम्हारा risk to reward ratio है 1:3, but इसके अंदर तो ये नहीं कि तुमको अगर loss कम करना है तो तुम stop loss बढ़ाते जाओगे, नहीं। स्टॉप लॉस बढ़ने से क्या होगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर से वापस ऊपर जाना, तुम लॉस में डर जाओगे, बाकी लोग प्रॉफिट ले जाएंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस टेक्निकल जहाँ प्लेस करना है वहीं पे प्लेस करना है, स्टॉप लॉस को चेंजेस नहीं करने वहाँ पे, स्टॉप लॉस को उधर ही प्लेस करना है जहाँ पे उसको टेक्निकली लगाया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कैसा उसको स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, मनिष्ठ रूप में एग्जाम्पल के बोलो, मनिष्ठ थ्री तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और भी मेन बात रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैंने तीन बार बोल चुका हूँ, चाहे आपको पता ही नहीं है, समझ गए हो? अगर लॉस होता है 1 रुपए का तो प्रॉफिट रहेगा 3 रुपए का, लॉस होता है 100 रुपए का तो प्रॉफिट रहेगा 300 रुपए का, लॉस रहेगा 1,000 रुपए तो प्रॉफिट रहेगा 3,000, अगर लॉस कितना सोच रहा हूँ 5,000 प्रॉफिट कितना रहेगा 15,000 का, 10% का प्रॉफिट रहेगा, ठीक है? वर्स्ट क्रिटिकल सिनेरियो में पता नहीं है क्या बोल रहा हूँ, वर्स्ट सिनेरियो में ऐसा हो गया कि टाइम बहुत खराब है, नसीब खराब है, ये वो जो भी तुम बोलो, तीन स्टॉक सिर्फ तुम्हारे सर दो स्टॉक पांच में से सिर्फ दो स्टॉक्स तुम्हारे अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए, हमारा टारगेट तुमको वहां पे मिल गया, बट तीन स्टॉक्स में लॉस हो गया, मतलब तुमने लॉस बुक किया, तो लॉस कितना हो रहा है तुम्हारा 60, एक स्टॉक में लॉस हो गया 5,000 15,000 हो गए, तीन स्टॉक में 15 हो गया तुम्हारा 15,000,
दो स्टॉक में जो देखो 15,000 का एक स्टॉक में अगर लॉस है 5,000 का तो उसमें प्रॉफिट भी तो है 15,000 का तो जो 2,000 दो स्टॉक जो तुमको प्रॉफिट करा के दिए हैं तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना है 30,000 तो एट द एंड ऑफ द ट्रेड पूरे ट्रेड पहला वो दो महीने का हो तीन महीने का एक महीने का जो भी एंड ऑफ द ट्रेड तुम क्या कर रहे हो लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो इवन इन द वर्स्ट क्रिटिकल सिनेरियो जहां पे तुम्हारे 70% ट्रेड्स नेगेटिव में है सिर्फ 30% ट्रेड्स चल रहे हैं राइट यस सर तो अगर ये नहीं फॉलो करोगे तुम किधर के ले रहे हो स्टॉप लॉस सारे देखेंगे जब नीचे गिरेगा स्टॉप लॉस आ रहा है बुक करो प्रॉफिट आ रहा है बुक करो प्रॉफिट नहीं बुक करोगे बैठोगे नहीं मैं इसको बाय का वेट कर रहा हूं क्यों किसी ने फोन करके बोला था मेरे को कि ये महेंद्र बहुत भागने वाला है उसके फोन करने से कोई जाता नहीं स्टॉक तुम्हारा एनालिसिस तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा मनी मैनेजमेंट तुम्हारे पास होना चाहिए कोई आगे चार रुपए देने वाला है नहीं तो लॉस करने के बाद ठीक है ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तुमको समझ में आएगी ये बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है ठीक है अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुमको ये लिंक भी शेयर करके रखता हूँ ग्रुप में बाद में एक मैसेज आएगा ग्रुप में अकाउंट ओपनिंग के बाद फिर लिंक भी तुमको मिलेगी फिर यहाँ पे तुम देख के तुम्हारा प्रैक्टिस करो पैसा नहीं लगाओ यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर राइट नाउ यू आर स्टिल स्टूडेंट्स तुम कर सकते हो प्रैक्टिस करो सीखो 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 और देन डाइव इन टू दिस मार्केट ओके लेकिन ये राइट टाइम है तुम्हारे लिए ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं आएगा तो बुढ़े होने के बाद देखो इन्वेस्टमेंट पूरा कमा लो फिर डालो पैसे मार्केट में ऐसा नहीं है ये राइट टाइम है तुमको सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा 1,000 रुपये क्यों नहीं होता इन्वेस्ट करो यू कैन इन्वेस्ट इवन 150 रुपीज ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट निफ्टी 20 बोल के निफ्टी का एक वो है इंडेक्स है जो निफ्टी एक इंडेक्स है जहाँ पे तुम ना ट्रेड कर सकते हो ट्रेड तो कर सकते हो लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तुमको ट्रेड करना है तुम ट्रेड करना पड़ेगा तुमको फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर्स में तुमको लगेंगे एक लॉट के कम से कम 1,00,000-1,50,000 रुपए लगेंगे अगर ऑप्शन में कर रहे हो तुमको 1,00,000 रुपए में मिलेगा लेकिन हमको एज अ स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान देना है ट्रेडिंग पे ध्यान नहीं देना है ट्रेडिंग भी कर सकते हो सीख सकते हो बट वहां पे क्योंकि यहाँ पे तुम डाइवर्ट पूरा पूरा नहीं हो सकते थोड़ा पैरेलल स्टडी तुम्हारी चल रही हो बट इन्वेस्टमेंट तुम कर सकते हो और ये राइट टाइम है तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट करने का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुम पढ़ लो कर लो पैरेलल कर लो फिर तभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो अभी इसे तुम सीख सकते हो एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन योर ट्रेडिंग इन योर टीचिंग इन योर नॉलेज सीखते हो ना दैट इज ऑल्सो अगर तुम फ्री में भी सीख रहे हो बुक से बुक्स पढ़ रहे हो तब भी दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर माइंड फॉर योर डेवलपमेंट ठीक है और कुछ क्वेश्चंस कुछ ट्रेड्स थे जो एफएमओ के थे ये फॉलो कर लो बस मतलब बोल चुका हूँ ये सब चीजें तुमको फॉलो करनी है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो अभी कंसल्टेंट तो हो गया अब तुम्हारे तरफ से कुछ क्वेश्चन आने चाहिए इस रूप को लग रहा है कि वहां भी कुछ बोलेंगे लड़कों को लग रहा है लड़कियां कुछ बोलेंगे अरे इनको भी कुछ नहीं आता तुमको लग रहा है ये लोग कुछ बोलेंगे इनको भी कुछ नहीं आता सब लोग ने पूछो इंदा एनएफटीज के बारे में एनएफटीज आर नोवेयर रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऐसा सिंपल है इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएफटीज में तो इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है keep on creating art out of NFTs तो आर्ट बनाना सीख लो YouTube पे कुछ वीडियोस है कुछ ट्रेनिंग्स भी होते हैं तुमको मिलेंगे NFT में तुम इन्वेस्ट कर दो तो दैट्स अ स्किल यू हैव टू डेवलप ऐसा नहीं कि तुम इन्वेस्ट ही करो नहीं सब लोग ने NFT बनाया करण जौहर हो गया तुम्हारा शाहरुख खान हो गया तुम्हारे अंदर बच्चे ने 7 करोड़ में NFTs बेच रहा है वो तो बहुत से NFTs बिक भी रहे क्यों बिक रहे देयर इज अ आर्ट हिडन इन NFT टू स्टार्ट डेवलपिंग एन NFT तुम बेचने पे इन्वेस्टमेंट ये नहीं करो फोकस नहीं करो यू बी द डेवलपर अगर तुम डेवलपर बनोगे ना यू बी इन द मार्केट मतलब तुम्हारा रिस्पांस आएगा ना तुमको तुम बेच रहे हो खरीदो तुम सेलर मत बनो सॉरी तुम बायर मत बनो यू बी द सेलर यू बी द मैन्युफैक्चरर एंड देन सेलर कि तुम्हारे इससे इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तुम्हारा सेक्टर रेडी रखो ए सेक्टर में हमको इलेक्ट्रिक बनानी है एनएफटी का ये सेशन ही फ्री हो रहा हूँ एनएफटी का तुम्हें जानना है तो यूट्यूब पे गूगल पे तुम यूट्यूब पे मत जाओ गूगल पे जाके सीखो पढ़ो
वीडियोस मत देखो पहले पहले पढ़ो एनएफटी क्या होती है, नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं वो क्या होती है, आज के मार्केट में इसका क्या बेनिफिट है एनएफटी होता है। उसके अलावा अगर तुम बियॉन्ड स्टॉक मार्केट जाकर यूज करना चाह रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आई पर्सनली वुड प्रेफर बट यू कैन फॉलो इट, मैं एथिकली मुझे ठीक नहीं लगता बट तुम्हारे लिए अच्छा है ऑप्शन मेटावर्स का। पता है मेटावर्स किसको सर जुकरबर्ग का बाइटिंग वगैरह नहीं करने वो नहीं नहीं मेटावर्स भी शेयर नॉलेज हां शेयर उसके मार्क जुकरबर्ग ये आज से लेकर कल चलेगा मार्क जुकरबर्ग आई कोई आईडिया नहीं तुम्हारा जुग्गू भाई कुछ मोटे कंटेंट दो कुछ नॉलेज दो मेटावर्स का ये सब वैल्यू देन लोग मेटावर्स वो तो बुक मंडी यू अप्रोच देन बाय समथिंग हां सेकंड वर्ल्ड वॉर का पूरा जो कंटेंट का है नॉलेज का है स्किल्स का है इंटरेक्टिव वन टू वन सेशन होना चाहिए था एक्चुअली तो वन साइड हो गया थोड़ा
एनीवन गर्ल्स फ्रॉम बैक बेंचर्स? नहीं सर, हमको तो सब पता है, मैं बहुत पैसा कमा के बैठा स्टॉक में। नहीं कुछ अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स है, द रिसोर्स पर्सन इज हियर, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। कोई रहेगा कि नहीं इसने ऐसा बोला था वो पूछ लेता हूँ। फील फ्री टू शेयर एनीथिंग, मराठी हिंदी कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते। एक्सपीरियंस ऑन के That's it. Shall we stop now? Yes, sir. Sure. Kulkarni for proposal.